राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनन बाय डॉक्टर जी नागेंद्र बाबू में से पार्ट वन का सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, जो है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी क्या है उसके बारे में, यानी कि व्हाट इज ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड व्हाट इज होम्योपैथी, ये दोनों क्या है। सो सबसे पहले अगर हम होम्योपैथी पढ़ रहे हैं तो होम्योपैथिक फील्ड में होने के बाद हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि होम्योपैथी क्या है। अगर हमें कोई पूछे कि होम्योपैथी क्या है, तो अगर दो लाइन में हमें कुछ बताना है उसके बारे में, तो उसके लिए हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि एक्चुअली ये सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करती है। और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एक सब्जेक्ट है जो सेकेंड ईयर का है, जो हम सेकेंड ईयर ऑफ BHMS में पढ़ते हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट क्यों है, कैसे एग्जिस्ट करता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस और खासियत है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले, होम्योपैथी इज नॉट अ थियोरी ऑफ डिजीज बट अ थियोरी ऑफ क्योर, ऐसा स्ट्रॉट क्लोज नाम के साइंटिस्ट ने कहा है कि होम्योपैथी है, इसका मतलब है कि जो होम्योपैथी है वो कोई भी डिसीज की थियोरी नहीं है, जिसमें डिसीज को कैसे ठीक करना है ये नहीं बताता, लेकिन डिसीज को, कंडीशन को कैसे क्योर तक, एकदम फिट एंड फाइन हेल्दी कंडीशन तक पेशेंट को कैसे वापस ले जाना है, वो है होम्योपैथी। यानी आप अगर दूसरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन देखें तो वहाँ पर सेपरेशन होता है, पेलिएशन होता है, जिसके कारण हमें टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाता है लेकिन परमानेंट क्योर नहीं मिलता। लेकिन होम्योपैथी में, होम्योपैथी विल गिव अस अ परमानेंट क्योर, इसीलिए कहा है कि होम्योपैथी इज़ नॉट अ थियोरी ऑफ डिजीज बट अ थियोरी ऑफ क्योर। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज़ अ बुक ऑन मेडिसिन रिटन बाय सैम्यूल हैनेमन, द फाउंडर एंड फादर ऑफ होम्योपैथी। अब जो ये ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक है, ये जो है वो सैम्यूल हैनेमन, जो हमारे होम्योपैथी के फाउंडर है और हमारे होम्योपैथी के फादर है, उन्होंने लिखी है। इट वॉज रिटन इन द लेटर ईयर्स ऑफ 18th century, ये 18th century के लेटर ईयर्स में लिखी गई है और कंसिडर्ड एज एन रिवोल्यूशनरी बुक ऑन मेडिकल फिलोसॉफी। और ये बुक लिखने के बाद एक मेडिकल फिलोसॉफी जो है, जो मेडिकल फील्ड है, उसमें एक रिवोल्यूशन सा आ गया था, एक रिवोल्यूशनरी बुक है, जिसके बाद मेडिकल साइंस में बहुत सारे चेंजेस आए, अपग्रेडेशन आए। दिस बुक कंटेन्स द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, इस बुक में हमारे होम्योपैथी के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी इन इट्स यूनिक मेथड एज प्रीच बाई इट्स फाउंडर सैम्यूल हैनेमन इज पॉसिबल ओनली बाई अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। यानी अगर हमें होम्योपैथी को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिस वे में ये यूनिक है होम्योपैथी, उसी यूनिक वे में अगर हमें इसे प्रैक्टिस करना है, तो जो इसके फादर है सैम्यूल हैनेमन, उन्होंने जिस तरीके से ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को लिखा है, उसे अच्छे से समझने के बाद ही हम अच्छे से होम्योपैथी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लाइफ में कुछ करना है तो जैसे लाइफ के सिद्धांत होते हैं, अगर उस सिद्धांत के हिसाब से चलेंगे तो लाइफ अच्छी होगी, वैसे ही ये ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में हमारी होम्योपैथी के सिद्धांत दिए गए हैं। अगर वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी हम होम्योपैथी को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज लाइक गोइंग इन टू द सी विदाउट नोइंग स्विमिंग। यानी होम्योपैथी को प्रैक्टिस करना बिना किसी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का नॉलेज पाए, वो कैसा होगा कि स्विमिंग आता नहीं है लेकिन फिर भी हम दरिए में जा रहे हैं तैरने के लिए। इसलिए कहा गया है कि प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज लाइक गोइंग इन टू द सी विदाउट नोइंग स्विमिंग। हेंस स्टडी ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज मैंडेटरी फॉर ऑल एस्पायरिंग होम्योपैथी, यानी सारे होम्योपैथी के लिए इसी कारण से ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का स्टडी बहुत ज़रूरी है। सो इन शॉर्ट, इसका मतलब इतना है कि जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है, वो एक बुक है जो सैम्यूल हैनेमन ने लिखी है, जो हमारे होम्योपैथी के फादर और फाउंडर है, और ये एक ऐसी रिवोल्यूशनरी बुक है जिसके बाद मेडिकल फील्ड में रिवोल्यूशन आया था, और ये 18th century के लेटर ईयर्स में लिखी गई थी, और इसमें कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं होम्योपैथी के, इसीलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हम होम्योपैथी को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है, वो सारे एस्पायरिंग होम्योपैथ्स को पढ़नी चाहिए। अब नाउ, व्हाट इज़ होम्योपैथी, होम्योपैथी क्या है? तो
Homeopathy is a unique therapeutic system discovered by a German physician by the name Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Yani homeopathy hai wo ek aisa unique therapeutic system hai. Therapeutics yani ki hum agar kisi bhi person ko theek kar rahe hai kisi dawai dekar to use hum therapeutics kehte hai. दवाई से किसी भी इलनेस को ठीक करना इस थेरापेटिक्स तो एक यूनिक थेरापेटिक सिस्टम है जो जर्मन फिजिशियन क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन ने डिस्कवर की थी. और इसकी जो इटिमोलॉजी है यानी कि ओरिजिन ऑफ द वर्ड होम्योपैथी वो हुआ है दो वर्ड से होम्योस और पैथो. होम्यो का मतलब होता है सिमिलर और पैथो का मतलब होता है सफरिंग. इसीलिए होम्योपैथी मीन्स टू क्योर अ पेशेंट विद दोज ड्रग दैट प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम्स टू द सफरिंग ऑफ द पेशेंट. इसीलिए जो होम्योपैथी है उसका मतलब होता है कि वैसे ड्रग से पेशेंट को क्योर करना जो ड्रग सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता हो पेशेंट्स के सफरिंग के. यानी होम्योपैथी की जो सारी दवाई है वो हेल्दी ह्यूमन बींग में प्रूव की जाती है. तो जब हेल्दी ह्यूमन बींग को किसी भी ड्रग्स दिए जाते हैं कोई भी मेडिसिन दी जाती है तो उसमें के अंदर जो भी सिम्टम्स आते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसके बेस पर सिम्टम सिमिलरिटी पे हम होम्योपैथिक मेडिसिन सिक पर्सन में प्रिस्क्राइब करते हैं. तो होम्योपैथी में वैसी दवाइयाँ दी जाती है जो मेडिसिन है वो हेल्दी पर्सन में वो डिसीज़ प्रोड्यूस कर सकती है वही मेडिसिन वो सिक पर्सन में वो सेम डिसीज को क्योर कर सकती है. इसीलिए कहा गया है कि जो होम्यो है मतलब सिमिलर और पैथो है मतलब सफरिंग. यानी सिमिलर सफरिंग के बीच पर होम्योपैथी में दवाई दी जाती है. जैसे कि हम बोलते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है वैसे ही. सो होम्योपैथी कैन बी डिफाइंड एज अ रैशनल थेरापेटिक सिस्टम. यानी होम्योपैथी को हम रैशनल थेरापेटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं. रैशनल मतलब कि बेस्ड ऑन रीजन या फिर लॉजिक या फिर सेंस. यानी किसी भी लॉजिकल चीज़ के बारे में बात करते हैं वैसी थेरापेटिक सिस्टम. सो होम्योपैथी को कहा गया है कि रैशनल थेरापेटिक सिस्टम विद द एम ऑफ क्योरिंग द सफरिंग ऑफ द पेशेंट. जिसका एम क्या है सफरिंग ऑफ द पेशेंट को क्योर करना ना कि सिर्फ सप्रेस पेलिएट करना या फिर टेम्पररी रिलीफ देना. बाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग which have been experimentally proved on healthy human being to possess the power of producing similar suffering. यानी होम्योपैथी एक ऐसी रैशनल थेरापेटिक आर्ट ऑफ हीलिंग है. आर्ट मतलब एक सिस्टम है जिसमें हम वैसे ड्रग्स पेशेंट को देते हैं जब वो हेल्दी पर्सन को दी जाए तो वो उसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि ड्रग प्रूविंग में हम देखते हैं. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर दैट मीन्स लेट लाइक बी क्योर्ड बाई लाइक. यानी जैसा डिसीज है वैसे ही आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस करते हैं हम होम्योपैथी से. यानी मियाजमेटिक डिसीज के सामने हम मेडिसिनल डिसीज प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिसीज होम्योपैथी से. और उसके बाद वो सेम डिसीज यानी लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक मतलब सेम डिसीज वैसे सेम मेडिसिनल कंडीशन और मेडिसिनल डिसीज से क्योर हो जाता है. सो अब स्ट्राउड क्लोज ने अपनी बुक जीनियस ऑफ होम्योपैथी में होम्योपैथी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है. होम्योपैथी और होम्योथेरापी एज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इन जनरल मेडिसिन विच हैज़ for its principal objects, the observations and the study of action of remedial agents in health, disease, treatment and cure of the patient of the disease by medication according to a fixed law or general principles. Yani homeopathy or homeotherapy ek aisa department hai science ka general medicine mein jiska khud ke principal objects hai उसके खुद के ऑब्जर्वेशंस है और उसके स्टडीज ऑफ एक्शंस है जो जिसमें रेमेडियल एजेंट्स है वो स्टडी किए जाते हैं हेल्थ की कंडीशन में डिसीज की कंडीशन में ट्रीटमेंट में और क्योर में. अगर इन शॉर्ट इस डेफिनेशन को समझे तो एक ऐसे जनरल मेडिसिन की सिस्टम है जिसके खुद के प्रिंसिपल्स यानी कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में क्या दिए गए हैं हमें सारे प्रिंसिपल्स ही दिए गए हैं होम्योपैथी के. तो इसके खुद के प्रिंसिपल्स हैं. अब वो प्रिंसिपल्स के बाद हमने ड्रग प्रूविंग की थी तो ड्रग प्रूविंग के से हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए थे वो हमारे काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही है. और ये सारे ऑब्जर्वेशंस हम कैसे करते हैं ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं यानी जो रेमेडी है उसको प्रिस्क्राइब करने के बाद जो भी एक्शंस आते हैं रिएक्शंस आते हैं हेल्दी कंडीशन में डिजीज कंडीशन में ट्रीटमेंट में और क्योर में वो सब स्टडी करते हैं. तो ये सब को कंबाइन करके जो एक हमारे पास मेडिकेशन आता है मेडिसिन आती है
वो होती है एक फिक्स्ड लॉ के बेस पे या फिर एक जनरल प्रिंसिपल के बेस पे लॉ ऑफ सिमिलिया है, और होम्योपैथिक में ऐसे बहुत सारे जनरल प्रिंसिपल्स है, तो ऐसे फिक्स्ड लॉ के बेस पे है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, सारे पर्सन जिसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं होम्योपैथी। सो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। सो होम्योपैथी कंसिडर्स पेशेंट एज अ सिक पर्सन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो सबसे पहली बार जब पेशेंट क्लिनिक में आता है तभी से ही होम्योपैथ है वो उस पेशेंट को एज अ सिक पर्सन कंसिडर करता है। सिक यानी कि जो पर्सन जो बीमारी से गुजर रहा है, और सिकनेस यानी कि वो डिसीज जो उस पर्सन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो हम होम्योपैथ है वो सिकनेस पर फोकस नहीं करते, डिसीज पर फोकस नहीं करते, बल्कि वो पूरे पर्सन को कंसिडर करते हैं, यानी वो डिसीज के साथ जो पर्सन सफ़र कर रहा है उसको, क्योंकि वो डिसीज है वो सिर्फ डिसीज नहीं है, वो अंदर बहुत सारे चेंजेस होने के बाद एक्सटर्नली आया है। तो इंटरनल डिरेंजमेंट से लेकर पूरे के पूरे एक्सटर्नल डिरेंजमेंट तक सब कुछ हम पूरे के पूरे पर्सन को कंसिडर करते हैं, इसीलिए होम्योपैथी में हम एज अ वॉल कंसिडरेशन लेते हैं। सो ट्रीट द पर्सन नॉट द डिसीज सेज होम्योपैथ सेज मास्टर सैमुअल हैनेमन। सो जो हमारे मास्टर है हैनेमन, जिन्होंने होम्योपैथी की स्थापना की है, जिन्होंने होम्योपैथी की खोज की है, वो बताते हैं कि हमें उस पेशेंट को ठीक करना है, ना कि डिसीज को, क्योंकि पेशेंट ठीक होगा तो डिसीज तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सो दिस लीव्स द बिगिनर इन अ कन्फ्यूज स्टेट एज ऑल ऑफ अस आर कंडीशनड बाई द डोमिनेंट मेडिकल स्कूल। तो जहाँ पर भी डोमिनेंट मेडिकल स्कूल आता है वहाँ पर हम दूसरी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं, जिसका हैनेमन सर अपोज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बिलीव्स ऐसी है कि हम सिर्फ अगर अभी एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो यहाँ पर ऐसा बताना चाहते हैं कि एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिसीज़ को क्योर करते हैं, डिसीज़ को ठीक करते हैं, तो जो बिगिनर्स है उनके लिए वो कन्फ्यूजन वाला स्टेट हो जाएगा कि हम पूरे पर्सन को कैसे कंसिडर करें, कैसे उसको ठीक करें। सो यही सारी चीज़ें तो हमें ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में और होम्योपैथी में पढ़नी है। सो बट स्टडी ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इन इट्स वॉल एक्सटेंट एड्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सप्लेनेशन। वही तो मैंने बताया कि जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है ये सारे एक्सप्लेनेशन देने में हमें हेल्पफुल होगी। और टू अ होम्योपैथिक डॉक्टर द साइंस एंड सिम्टम रिवील नॉट ओनली द नेम ऑफ द डिसीज बट ऑल्सो द मेडिसिन सूटेबल टू द पेशेंट। तो अब जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो जो साइंस और सिम्टम्स पेशेंट के कलेक्ट करता है, केस टेकिंग करता है, वो पूरे केस टेकिंग से जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स हमें मिलती है वो सिर्फ पेशेंट के डिसीज का नाम ही रिवील नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ हमारी मटेरिया मेडिका में से कौन सी मेडिसिन बेस्ट सूटेबल मेडिसिन होगी वो भी हमें बता देता है। यानी कि साइंस और सिम्टम्स होम्योपैथिक मेडिसिन भी बता देता है या फिर प्रिस्क्राइब करने में हेल्पफुल होता है, साथ ही साथ डिसीज का नेम भी बता देता है। द होम्योपैथिक डॉक्टर ट्राइज टू फाइंड आउट द यूनिकनेस इन द सफरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन कंपैरिजन विद द अदर इंडिविजुअल। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि जो पेशेंट है, हर एक पेशेंट इंडिविजुअल होता है, उसके कुछ पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं जो उसको इंडिविजुअलाइज करते हैं, यूनिक बनाते हैं, उसकी सफरिंग को यूनिक बनाते हैं कंपैरिजन टू अदर इंडिविजुअल्स। बस होम्योपैथिक डॉक्टर को वही इंडिविजुअलिटी को फाइंड करना होता है, और उसको फाइंड करने के बाद बेस्ड ऑन द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट ही कैन इवन डिटेक्ट द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसीज प्रोसेस बिफोर इट कैन डैमेज द एनाटॉमी ऑफ द पेशेंट। यानी एक बार अगर होम्योपैथिक डॉक्टर अच्छे से उस पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर ले तो बेस्ड ऑन वो सारे साइंस सिम्टम्स वो पेशेंट की अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज, यानी सबसे पहले डिसीज कब क्या कैसे अराइव हुआ था और उसकी फर्दर पैथोलॉजी क्या होने वाली है, वो किसी भी एनाटॉमी या फिर स्ट्रक्चर हमारे बॉडी का और या फिर कोई फंक्शन में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का डैमेज करे, उससे पहले ही वो डिटेक्ट कर लेगा होम्योपैथ। सो इट इज़ बिलीव दैट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रिमूव्स द इन्फेक्शन बाय स्टिम्युलेटिंग द नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी।
यानी कि हमारा जो होम्योपैथिक सिस्टम है, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मेथड है, वो इन्फेक्शन को रिमूव तो करता है, लेकिन हमारी जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमने भगवान ने कुदरती दी है हमारी बॉडी को, वो डिसीज आने से वीक हो जाती है। बस उसी को स्टिम्यूलेट करके होम्योपैथ है वो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी को स्टिम्यूलेट करके उस इंक्रीज करता है, उसकी मदद से कोई भी इन्फेक्शन को रिमूव करता है हमारी बॉडी में से। हैंस इट डज नॉट इंटरफियर विद द इम्यूनिटी, इसीलिए इम्यूनिटी में होम्योपैथी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। दिस सिस्टम ट्राइज टू क्योर द पेशेंट विथ लीस्ट पॉसिबल डोज ऑफ मेडिसिन सफिशियंट इनफ टू प्रोड्यूस अ क्यूरेटिव रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जो भी पेशेंट है उसको सबसे पहले कोई भी मेडिसिन दी जाती है तो वो सबसे मिनिमम डोज में दी जाती है, जो लो ऑफ मिनिमम है उसके उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के बाद हमें पता चलता है कि कोई भी मेडिसिन है वो मिनिमम डोज में प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि और वो मिनिमम डोज उतना मिनिमम है वो डिपेंड करता है पेशेंट पे, क्योंकि पेशेंट वो क्यूरेटिव रिएक्शन दे वहाँ उस तक का जो है वो हम मिनिमम डोज दे सकते हैं। सपोज़ कोई पेशेंट में 30 cc से ही वो रिएक्शन देने लगता है तो हमें उसको हाई डोज में देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हो गई पेशेंट के इंडिविजुअलिटी पे बेस वो मिनिमम डोज जो क्यूरेटिव रिएक्शन है वो ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस कर पाए, इन सफिशेंट इनफ हो क्यूरेटिव रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के, उतना हमें मिनिमम डोज देना है पेशेंट में। दिस सिस्टम ट्राइज टू क्योर द पेशेंट विथ लीस्ट पॉसिबल डोज ऑफ द मेडिसिन विच इज सफिशियंट इनफ टू प्रोड्यूस अ क्यूरेटिव रिएक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। इन होम्योपैथी द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन इज इम्पोर्टेंट देन द क्वान्टिटी, यानी होम्योपैथी में मेडिसिन की क्वालिटी है वो ज़्यादा मायने रखती है क्वान्टिटी के बदले। इट डज नॉट एम्प्लॉय मेडिसिन इन क्रूड और फिजियोलॉजिकल डोजेस। सो जो होम्योपैथी है वो क्रूड फॉर्म में या फिर फिजियोलॉजिकल डोजेस के फॉर्म में मेडिसिन को नहीं एडमिनिस्टर करता, ये पोटेंटाइज्ड फॉर्म में होम्योपैथिक मेडिसिन को देता है। होम्योपैथिक मेडिसिन है वो पोटेंटाइज्ड फॉर्म में दी जाती है। सो दिस मेडिकल सिस्टम ट्राइज टू स्टिम्यूलेट द पेशेंट्स लाइफ एनर्जी टू क्योर बाय इट्सेल्फ, यानी कि ये मेडिकल सिस्टम ऐसे मेडिकल सिस्टम है जो पेशेंट की लाइफ एनर्जी को स्टिम्यूलेट करता है, उसको बढ़ाता है ताकि वो पेशेंट क्योर हो सके खुद की एनर्जी की मदद से। हैंस चांसेस ऑफ गेटिंग डेंजरियस साइड इफेक्ट्स इन द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आर ऑलमोस्ट नल, इसीलिए हमारी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जो भी डेंजरियस साइड इफेक्ट है वो आने के चांसेस बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं। While treating the patients, homeopathy consider a man as a whole. जब हम patient को treat करते हैं, homeopathy है वो person को as a whole consider करता है। whole का मतलब है उसका body और उसका life force, और body में physical और mental दोनों ही symptoms हम include करते हैं, यानी full body, ठीक है। So his body and the life force. So homeopathy as a profession is best to those physicians who try to understand their patient as a suffering individual and not just physical bodies with some pathological changes. यानी homeopathy है वो एक ऐसा profession है और उस physicians के लिए best है जो अपने patient को एक individual की तरह मानता है, एक individual sufferer की तरह मानता है, ना कि सिर्फ एक physical body मानता है जिसमें कुछ pathological tissue changes हुए और उसको उस pathological tissue को ठीक करना है। नहीं, होम्योपैथ सोचता है कि ये मेरा पेशेंट है, ये इंडिविजुअली किसी इंडिविजुअलिस्टिक लेवल से सफ़र कर रहा है और वो इंडिविजुअलिटी को फाइंड करने के बाद ही वो पेशेंट को ठीक करने की पूरे पूरी कोशिश करता है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न होम्योपैथी परफेक्टली फिट्स अंडर द हेडिंग ऑफ होलिस्टिक सिस्टम, और इसी के कारण होम्योपैथी है वो परफेक्टली होलिस्टिक सिस्टम की कैटेगरी में फिट होता है। ये जो टर्म है होलिस्टिक, वो सबसे पहले हमारे फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जेन क्रिश्चियन स्मुट्स इन 1926 में उन्होंने यूज़ किया था, और ये वर्ड है वो ग्रीक वर्ड होलोज में डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी इन इट्स कम्प्लीट टर्म, यानी रियलिटी को अपने पूरे कम्प्लीट टर्म में अंडरस्टैंड करना, उसी को कहते हैं होलिस्टिक सिस्टम। तो जो होम्योपैथ फिजिशियन है वो पेशेंट की रियलिटी को कंप्लीट टर्म में अंडरस्टैंड करने की ट्राई करता है, इसीलिए होम्योपैथिक सिस्टम को होलिस्टिक सिस्टम कहा गया है।
सो होम्योपैथ्स फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, यानी कंडीशन ऑफ द पर्सनस बॉडी एंड माइंड इन हेल्थ एंड स्ट्रेंथ इन ट्रीटिंग द पेशेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच यानी कि वो जो इंडिविजुअल पर्सन है उसका मेकओवर कैसा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो इंडिविजुअली पिक्यूलर कैरेक्टर्स क्या है उसके, वो सब अंडरस्टैंड करता है बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो सब समझने के बाद होम्योपैथी है वो ट्रीट करता है पेशेंट को। सो एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ, जो हमारे एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ्स हैं वो मानते हैं कि इफ केयरफुली प्लान्ड एंड ट्रीटेड फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम परनिशियस हेरिडेटरी डिसऑर्डर, यानी जो एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ है, जिन्होंने होम्योपैथी को बहुत सालों से एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो ऐसा मानते हैं कि अगर केयरफुली ट्रीट किया जाए पेशेंट को जब से उन्होंने कंसीव किया है प्रेगनेंसी को, यानी प्रेगनेंसी जब से रही है तब से अगर केयरफुली प्लान्ड की अच्छे से प्लानिंग से ट्रीट किया जाए केस को, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स है वो चाइल्ड को परनिशियस हेरिडेटरी डिसऑर्डर से भी बचा सकता है। तो फाउंडर ऑफ दिस सिस्टम है जो डॉक्टर हैनेमन और उसके जो फॉलोवर्स है डॉक्टर बोनिक हुसैन, डॉक्टर जी डी कैन, डॉक्टर हैरिंग, डॉक्टर एलन, डॉक्टर क्लार्क, डॉक्टर बोरिक और एक्सेट्रा, विद द ट्रेमेडियस पेन्स टेकिंग एफर्ट्स हैव ब्रूट होम्योपैथी टू एन इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट स्टेटस, यानी होम्योपैथी को इन सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट स्टेटस पे लाया है। द प्रोसेस ऑफ केस टेकिंग, प्रिपरेशन एंड प्रूविंग ऑफ ड्रग्स एंड रेपिटराइजेशन प्रोसेस एक्सेट्रा टूडे प्लेस्ड होम्योपैथी एज अ यूनिक वेल डेवलप्ड थेरापेटिक सिस्टम, यानी जो हमारी होम्योपैथी में केस टेकिंग की प्रोसेस है, जो हमारी प्रिपरेशन है ड्रग्स की, प्रूविंग है ड्रग्स की, जो रेपिटराइजेशन है उसका जो प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें होम्योपैथी को एक यूनिक और इंडिविजुअल और वेल डेवलप्ड थेरापेटिक मेथड की प्लेस में रखता है। सो होम्योपैथी डज नॉट हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर मेडिसिनल मेथड्स, होम्योपैथी को किसी भी दूसरे मेडिकल मेथड से कोई भी पर्सनल दिक्कत नहीं है, बट इट स्ट्रांगली एंड ओपनली अपोजिस द प्रैक्टिस ऑफ सप्रेसिंग एंड ट्रबल सम द सिम्टम्स विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर क्योर, यानी होम्योपैथी स्ट्रांगली और ओपनली अपोज करता है ऐसी प्रैक्टिस को जो सप्रेस कर रही है किसी भी डिसीज को, या फिर मोस्ट ट्रबलसम सिम्टम्स को सप्रेस करके, उसको पेलिएट करके या फिर टेम्पररी रिलीफ देकर और दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचाकर, जो क्योर की किसी भी टाइप की, मतलब क्योर के लिए कुछ भी करे बिना डायरेक्ट सप्रेस करने के लिए, या फिर ऐसी कोई भी कंडीशंस है जो क्योर तक नहीं ले जाती अल्टीमेटली पेशेंट को, उन सभी सिस्टम को, उन सभी मेथड्स को होम्योपैथी स्ट्रांगली और ओपनली अपोज करता है। हैंस स्टाउट क्लोज, अ फेमस होम्योपैथ एंड ऑथर ऑफ द बुक जीनियस ऑफ होम्योपैथी, सेज होम्योपैथी वर्क्स इन परफेक्ट हारमोनी विथ ऑल नेसेसरी रैशनल नॉन मेडिकल एंड मैकेनिकल थेरापेटिक एजेंट्स, सर्जरी, ऑब्स्टेटिक्स, हाइजीन, डायटेटिक्स, सैनिटरी साइंस, केमिस्ट्री एंड साइकोथेरापी ऑल फाइंड इन होम्योपैथी देयर कॉन्जेनियल एंड मोस्ट पावरफुल ली। सो जो होम्योपैथी है वो परफेक्टली हारमोनियसली, यानी कि सब में बैलेंस मेंटेन करती है वो सारी चीज़ों में, और अच्छे से इन सभी चीज़ों को इम्पोर्टेंस भी देती है होम्योपैथी। ऐसा नहीं है कि सर्जिकल प्रोसीजर्स को सपोर्ट नहीं करती, वो उससे भी सपोर्ट करती है। होम्योपैथी में हमें सर्जरी भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि सपोर्टिव थेरेपी हो जाती है होम्योपैथी सर्जिकल केसेस में, जब हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन के पास टाइम नहीं है एक्ट करने का, यानी बहुत अर्जेंट केस है, इमरजेंसी वाला केस है, और जो पेशेंट की लाइफ है उसका सवाल आ चुका है, थ्रेट है, मतलब पेशेंट अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उस कंडीशंस में होम्योपैथी है वो सर्जिकल प्रोसीजर्स को भी सपोर्ट करता है। फिर कि इसके एग्जांपल में कुछ केसेस दिए गए हैं जो कि एक्यूट पॉइजनिंग के हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल एडवांस्ड डिसीज हो सकते हैं, वो जो डिसीज बहुत एडवांस्ड कंडीशन में चले गए हैं, इरिवर्सिबल कंडीशन तक चले गए हैं, वेयर एनी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, या फिर कोई भी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, तो इन सच कंडीशंस में होम्योपैथी है वो कुछ ऐसी कंडीशंस को सपोर्ट करता है जैसे कि सर्जरी। सो इन सच केसेस अ वेल ट्रेंड होम्योपैथ विल रिकमेंड लाइफ सेविंग मेजर्स, सो ऐसे केसेस में होम्योपैथ है वो लाइफ सेविंग मेजर्स को रिकमेंड करेगा
उसके बारे में बताएगा। अब 67 एफोरिज्म की फुटनोट में दिया गया है इसके बारे में डिटेल में। हैनेमन ऑल्सो बिलीव्ड एंड रिकमेंड द यूज ऑफ थेरापूटिक मेजर्स अदर देन ड्रग्स लाइक। सो ड्रग्स के अलावा भी होम्योपैथी बिलीव करता है, रिकमेंड करता है कुछ ऐसे थेरापूटिक्स मेजर जैसे कि डाइट्स है, फिजिकल एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, मेस्मेरिज्म है, बाथ है, और इन सब के बारे में डिटेल में दिया गया है एफोरिज्म 286-291 में। होम्योपैथी वॉज नॉट इन्वेंटेड बाई हैनेमन। तो यहाँ पर बताते हैं कि होम्योपैथी का इन्वेंशन है वो हैनेमन सर ने नहीं किया है। ही डिस्कवर्ड द सिस्टम ऑफ होम्योपैथी बेस्ड ऑन यूनिवर्सली नॉन थेरापूटिक लॉ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर मीन्स लाइक क्योर्स लाइक। होम्योपैथी का जो इन्वेंशन है वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उसको डिस्कवर किया है। इन्वेंट करना यानी किसी भी चीज़ को एकदम एक झटके से, यानी जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी वैसे ही कंडीशन में, मतलब किसी को पता ही नहीं था उस बारे में, उस कंडीशन को, उस चीज़ को बाहर लाना सबके सामने, उसको इन्वेंट करना बोलते हैं। और डिस्कवर करना मतलब कि वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी लेकिन सबको नहीं पता था उसके बारे में, या फिर वो इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं थी कि सब उसको समझ सके। सो डिस्कवर करना मतलब वो होता है। तो हैनेमन सर ने होम्योपैथी को डिस्कवर किया था, जो थेरापूटिक लॉ ऑफ नेचर था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंजर, उसमें से होम्योपैथी पूरी सिस्टम डिराइव की गई थी, डिस्कवर्ड की गई थी। फिजिशियंस ऑफ एंशियंट टाइम वेर वेल अवेयर ऑफ दिस नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। जो पहले के फिजिशियंस थे वो इस नेचर्स लॉ ऑफ क्योर से तो बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ थे, लेकिन जो फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन हिपोक्रेट्स, फिजिशियंस लाइक निकेंडर, जिनोक्रेट्स वगैरह वगैरह जो भी है ये सब, और फिजिशियंस ऑफ रोमन स्कूल्स एंड इवन द हिंदू आयुर्वेदिक सिस्टम्स टीचर्स एक्सेट्रा मैंशनड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ क्योरिंग डिसीज बाई द लॉ ऑफ सिमिलिया इन द राइटिंग्स। एंड ये जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिशियंस है उन्होंने अपनी राइटिंग्स में बताया है लॉ ऑफ सिमिलिया के बारे में, किसी ना किसी अलग अलग डिसीज को क्योर करने की पॉसिबिलिटीज के साथ। दे कुड नॉट एम्प्लॉय दिस लॉ यूनिवर्सली बिकॉज ऑफ इट्स थेरापूटिक्स प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। यानी इस लोग को वो सभी डिसीज कंडीशन में नहीं अप्लाई कर पाए क्योंकि उसके कुछ थेरापूटिक्स और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस थी। हैनेमन ने सक्सेसफुली मोल्डेड दिस क्यूरेटिव नेचर्स लॉ, और हैनेमन ने इसको अच्छे से मोल्ड कर दिया, एक नया फॉर्म दे दिया क्यूरेटिव नेचर्स लॉ के फॉर्म में, जो इजिली अप्लीकेबल है क्योरिंग डिसीज को क्योर करने के लिए। एंड बाई चेंजिंग द लॉ फ्रॉम सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर टू सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, यानी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर से लेकर सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर तक कन्वर्ट कर दिया, यानी कि लाइक क्योर्स लाइक हैज बीन चेंज्ड टू लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक। सो ये हैनेमन ने अपनी पूरी सिस्टम में इतना बदलाव कर दिया। सो वॉट इज़ दिस लॉ ऑफ सिमिलिया, हाउ टू एम्प्लॉय दिस लॉ इन क्योरिंग द डिसीज, यानी ये लॉ ऑफ सिमिलिया क्या है और इसे कैसे अप्लाई करना है, इसका आंसर हमें ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में जब हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, इन डीप स्टडी करेंगे तब मिल जाएगा। और जो रीडर्स है हमारी इस बुक के, जो होम्योपैथी को पढ़ रहे हैं, जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को पढ़ रहे हैं, उनको इतना अच्छे से समझना चाहिए कि जो क्रिटिसिज्म है, जो हैनेमन ने कहा है, क्रिटिसाइज किया है एलोपैथिक सिस्टम को अपनी बुक में, वो उस समय के प्रकार से बिल्कुल रिलेवेंट था क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम उस समय पे बहुत ही ज़्यादा क्रूअल इरेशनल थी। वो पेशेंट की सफरिंग को कम करने की बजाय पेशेंट की सफरिंग को बढ़ा रही थी इसीलिए। और इन डिटेल ये कैसे उस समय पर हार्मफुल थी, अगर आपको जानना है, पढ़ना है, तो जो हैनेमन के लेजर राइटिंग्स है, उसके जो बाकी के कलेक्टिव वर्क है, उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा कि जो क्रूअल मेथड्स है जो उस समय एलोपैथ्स प्रैक्टिस करते थे हैनेमन के टाइम पे, वो कितने हद तक क्रूअल थे, दर्दनाक थे। टूडे नो डाउट एलोपैथिक सिस्टम हैज़ रेक्टिफाइड मोस्ट ऑफ इट्स क्रूअल मेथड टू ग्रेट एक्सटेंट। आज बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है और बहुत सारी सिस्टम अपग्रेड हो चुकी है, तो बहुत हद तक जो क्रूअल मेथड थे वो रेक्टिफाई हो चुके हैं, अपग्रेड हो चुके हैं। डॉक्टर ड्यूटजन जो है, जिन्होंने 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, उन्होंने बताया है कि जो हिज यानी कि हैनेमन के जो डेनिशिएशंस ऑफ हिज प्रैक्टिस ऑफ ओल्ड स्कूल दो क्वाइट डिजर्व्ड व्हेन ही रोट, वो उस समय तक वैलिड है, आर नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। और उसमें से कुछ जो है वो भी प्रेजेंट की जो एलोपैथिक कंडीशन है उसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके लिए आपको डिटेल में 5th एडिशन को रेफर करना है।
होम्योपैथी इज नॉट गेनिंग पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड बट द ग्रो इट्स ऑल्सो ग्रोइंग इन नंबर ऑफ पेशेंट स्विचिंग टू दिस सिस्टम इज अ प्रूफ फॉर दैट. यानी कि होम्योपैथी है वो सिर्फ गेन नहीं कर रहा है पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में, बल्कि इसके नंबर ऑफ पेशेंट्स दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं. यही इसका प्रूफ है कि होम्योपैथी वर्क करता है. हैंस इट इज़ अवर ड्यूटी, यानी कि ये हमारे होम्योपैथ्स की ड्यूटी है टू अपहोल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द लॉज एंड क्योर द सिक एंड एज पर द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाई हैनिमल. तो अब ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो होम्योपैथी के लॉज है उसको प्रोटेक्ट करें, उसको अच्छे से उसका पालन करें, पेशेंट को सिक पेशेंट को क्योर करें हैनिमल ने जो भी प्रिंसिपल्स दिए हैं उसके द्वारा. नो डाउट होम्योपैथी ऑफर्स अ चैलेंजिंग एंड ल्यूक्रेटिव करियर एंड ऑनर टू द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स इन कमिंग फ्यूचर. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.